दोस्तों, हम सब ने टॉयलेट ब्लॉक में फ्लश टैंक तो देखा ही है। फ्लश टैंक कैसे काम करता है ये आज समझते हैं। फ्लश टैंक का डायरेक्ट कनेक्शन होता है नल से, जो पानी का सोर्स है, और पानी का सोर्स डायरेक्ट अंदर जाता है। हमने कैप रिमूव कर दी है और ये कैप रिमूव करते ही अंदर का मैकेनिज्म हमें डायरेक्ट दिखने लगा है। हम ये लीवर एक देख रहे हैं जो डायरेक्ट नॉब से कनेक्टेड है, और ये नॉब हम प्रेस करते ही टैंक में पानी आने लगता है और पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगता है। इसको समझने के लिए हम लीवर निकाल देते हैं और अब नॉब दबाते ही फ्लश ऑन हो जाता है और पानी टॉयलेट ब्लॉक में जाने लगता है। पानी का स्तर धीरे धीरे घटता है और उसको लेवल में लाने के लिए फ्लॉट धीरे धीरे ऊपर आता है। फ्लॉट ऊपर और पानी फ्लश टैंक में जमा होता है और अल्टीमेटली बंद तब हो जाता है जब वो लेवल में आ जाता है।